Hi dear students, welcome to my YouTube channel Prabhakar's Online Academy. Previous class रे हमें पढ़ी थी ले सर्वसाधारण समीकरण, तार general form पढ़ी थी ले, तापरे geometrical representation पढ़ी थी ले, अब तार समाधान का शब्दों को लगाम दिया पढ़ी थी ले. So वर्तमान हम पढ़िया कौन? ना बीजगणित का समाधान. तो first हम को दिया नवा का पढ़ी equation a1x plus b1y तो c1 equals to 0 आमरे equation मान हो a2x plus b2y plus c2 equals to 0 equation 2 okay? तो आमरे जो बीजगणित का पद्धति अछि समाधान में तो चारटा पद्धति अछि फर्स्ट तमरो छि प्रतिगमन सेकंड अपसरण थर्ड बहुगुणन एंड द लास्ट वन इज क्रैमर्स रूल बा क्रैमर्स का नियम तो फर्स्ट हम बढ़िया प्रतिगमन मैं इंग्लिश में कहूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बुझे जीवा तो प्रतिगमन कौन कौन ना एक्स को वाई ऊपर बा वाई को एक्स ऊपर कन्वर्ट करके आम सेकंड इक्वेशन में पुट करवा देन से इक्वेशन द्वारा सिंगल वेरिएबल हो जीवो तो द्वारा कि आम आराम से तार भैल्यू बाहर कर पारे ठीक अच्छे मन कर फास्ट इक्वेशन नवा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एठ मन कर वाई बाहर कर एक्स आकार सोपट रखिली बी वन वाई एपट अच्छे पजिटिव ए वन एक्स प्लस पजिटिव सी वन एपट गले नेगेटिव ए वन एक्स नेगेटिव सी वन देन हियर वाई इज इक्वल टू वन बाई बी वन ऑफ माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन ओके या मन कौन दे इक्वेशन थ्री देन ए इक्वेशन थ्री रे वाई वैल्यू जो पाइला आम से इक्वेशन थ्री को यूज करके इक्वेशन टू रे टू को आम सिंगल वेरिएबल परिणत करा केवल वाई रे परिणत करा केवल एक्स रे परिणत करा तो ठीक अच्छे आम इक्वेशन टू अच्छे ए टू एक्स प्लस बी टू ये जो वाई अच्छे ये वाई जगह आम वाई वैल्यू पकड़ा वन बाय बी वन इंटू माइनस ए वन एक्स माइनस सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो ओके ठीक अच्छे देन मल्टीप्लाई कले यहाँ हो बी वन ए टू एक्स प्लस आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कले ये प्लस ये माइनस माइनस बी टू ए वन एक्स माइनस बी टू सी वन प्लस बी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो ओके देन ए दिटा एक्स कमन गले बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन एपटे अच्छे पॉजिटिव बी टू सी वन सेपट गले नेगेटिव बी वन सी टू एपटे नेगेटिव अच्छे एपट गले पॉजिटिव बी टू सी वन ओके देन तुम एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वन सी टू प्लस बी टू सी वन होल डिवाइडेड बाय बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू आ कौन टे बढ़िया से डिजाइन कर देले ये है जीवो कितने ना तो प्रॉब्लम माइनस का कौन है इसला बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन होल डिवाइडेड बाय तोलू माइनस का कौन है इसला ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू ओके तो ये माइनस ऊपर माइनस कैंसिल है एक्स इक्वल टू बाय बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन होल डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू बर्तमान आम एक्स पाई गए ठीक अच्छे ए एक्स को यूज करके बर्तमान आम वाई का वैल्यू पाया ठीक अच्छे तो एक्स एक्स और वैल्यू को इक्वेशन वन में यूज कर ले तो हमारा से जो ए1 एक्स जगह एक्स और वैल्यू में पके कहते ना बी1 सी2 माइनस बी2 सी1 होल डिवाइडेड बाय ए1 बी2 माइनस बी1 ए2 प्लस बी1 वाई प्लस सी1 इक्वल्स टू 0 ठीक है
then ये मल्टीप्लाई हले a1 b1 c2 माइनस a1 b2 c1 एटा एलसीएम हले ये दे जा संग मल्टीप्लाई हो केता हो a1 b1 तो सीधा b1 y संग मल्टीप्लाई करले जा सिजो a1 b2 माइनस b1 a2 प्लस c1 ऐसा करके मल्टीप्लाई है जैसे जो c1 a1 b2 माइनस c1 b1 a2 इक्वल टू 0 तो देखो एठी अछि a1 b2 c1 एठी अछि a1 b2 c1 तो ये दिरा प्लस माइनस कैंसिल है तो ठीक अछि बता नंबर y रे वैल्यू दरकार तुम को करबी एपटे b1 y होल टू a1 b2 माइनस b1 a2 रखी की बाकी तो करे सिस्टम पर नहीं जे एपटे छ नेगेटिव एपटे गले पॉजिटिव हो जो ये जो कहते c1 b1 a2 एपटे पॉजिटिव छ एपटे गले नेगेटिव हो जो a1 b1 c2 ओके एपटे y रखिले यस जो कहते नेठू गुडे b1 देखो कॉमन जो छ b1 कॉमन गले c1 a2 माइनस b1 सॉरी c1 a2 माइनस a1 c2 बुझो जी होल डिवाइडेड बाय b1 होल इनटू a1 b1 माइनस सॉरी a1 b2 माइनस b1 a2 बुझे था b1 b1 कैंसिल एपर पे भी कहते y इक्वल्स टू c1 a2 माइनस a1 c2 होल डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 बुझेला देन गोटे एग्जांपल हम करबा बस फार्मूला के मने रखि दो का वज्र गुण ने अप्लाई हो आ उपसर्ग ने भी प्रूफ करिबानी डायरेक्ट मेथड हो जा का प्रूफ तो मोर के पहले एग्जाम रे आसीबे बुझेला फॉर्मूला दिला नोट कर दिया आ मदर एग्जांपल जीवा तुम बही रो एग्जांपल दे छी 5x + 2y + 2 इक्वेशन मान दे छी 5x + 2y + 2 = 0 इक्वेशन मान दे छी तो इक्वेशन 2 दे छी 3x + 4y - 10 3x + 4y - 10 = 0 इक्वेशन 2 बुझेला सेठ हम जेमिति करले एठी हम सेमिति करबा माने कर हम x को y आकार कि y को x आकार परिणत करबा देखा जाउ कहो जी सो इक्वेशन 1 को नेले 5x + 2y + 2 = 0 5x = minus 2y minus 2 and the x is equals to 1 by 5 of minus 2y minus 2 बुझे लो ये पहले में इक्वेशन 3 देन x का वैल्यू इक्वेशन 2 रे यूज करबी 3 होल इनटू x जगह x का वैल्यू ओके 1/5 होल इनटू -2y - 2 प्लस 4y - 10 = 0 बुझेला देन 5 टा एलसीएम रे रहइबो तो ये प्लस इनटू माइनस माइनस 3 इनटू 2 6y प्लस इनटू माइनस माइनस 3 इनटू 2 6 5 इनटू 4 20y minus 50 equals to 0 5 जाएगे बड़े 0 मल्टीप्लाई है भाई मुझे लगा तो ये बताना सिंगल फेज जो बोले कन्वर्ट है जिसका मतलब तो देखो 20y minus 6y 13y is equal to अपने नेगेटिव अच्छा पढ़ा वाले पॉजिटिव ही जो 56 so y equals to 56 divided by 14 is equal to 4 तो y ऐसे ना 4 देन x x को तो देखिया y का वैल्यू यूज कर लिया मैं x का वैल्यू कर करी इक्वेशन 1 ले 5 into x plus 2 into y अगर मुझे करी 4 मुझे ला plus 2 equals to 0 so 5x is equal to 2 into 4 8 plus 2 is equal to 10 अपने positive 10 अपने वाले negative x equals to minus 10 by 5
is equal to minus 2 बुझला तमे मध्ये फार्मूला यूज करि परिबो तुमर a1 जगह रे 5 यूज करि परिबो b1 जगह रे 2 यूज करि बाहर कर परिबो आंसर पर एग्जाम रे पहिले तुम जे मेथड भी फॉलो करि परिबो बुझला देन हम नेक्स्ट मेथड जा अपसारण अपसारण दा प्रूफ करनी कारण प्रूफ तुम केबे भी एग्जाम रे आसीबे नी खाली प्रतीक अपन प्रूफ कर लेथि के तुम फार्मूला ला जाना कारण फार्मूला पचर बने अप्लाई बुझियो छी देन हम एरिया कोन ना अपसारण एटा भी लिखे दिस बिले अपसारण भी बहुत सहज ए प्रतीक अपन अपसारण बचर गुण ना क्रामर्स रूल भी तो निहाते गोटे क्वेश्चन आसे तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसे 5 मार्क्स अपसारण बुझियो छी आको हम इंग्लिश रे कोसे इंग्लिश टर्म से तो अक्वाइंटेड हो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बुझियो छी डायरेक्ट हम एग्जांपल को जिया प्रूफ किस करिया के दरकार ने तुम बही में एग्जांपल ले जिमु तुम बही एग्जांपल 2x + 3y - 8 दे इक्वेशन 1 2x + 3y - 8 = 0 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज योर 3x + y - 5 यार हमें इक्वेशन टू मुझे हो ची देखिए बस अपसारण माने कौन ना हमको वट्टे को अपसारित कर परिया को पड़ी हो तो वट्टे भाई भाई बोले अपसारण का लगा सिंगल भाई बोले रही हो तो सिंगल भाई बोले हमें इक्वेशन टू आराम से सॉल्व कर तो देखो तुम वट्टे को अपसारण करने के लिए कौन करिया पड़ी हो ना दीटा इक्वेशन वट्टे भाई बोले को सेम सेम मल्टीपल से जाने के पड़ी हो तो देखो एथि हमर इक्वेशन 2 रे मुझे 3 मल्टीप्लाई कर देबी तो ये 3 y ये 3 y दिला माइनस है जो बुझियो छी सो लिख बेटे इक्वेशन 1 इनटू एड किछ मल्टीप्लाई करबी त हम 1 लिख देबी इंप्लाइज 2x + 3y - 8 = 0 एंड इक्वेशन 2 इनटू एड 3 मल्टीप्लाई करबी कारण एड y रे 3 होय गेल तले 3 रे ऊपर 3 रे आसी बुझियो छी तो बुझला 83 मल्टीप्लाई कर लटली इक्वेशन 3 रे इक्वेशन 2 रे मते 3 मल्टीप्लाई करियो तो ये 3 * 3 9x 3 * y 3y 3 * 5 - 15 = 0 बुझला तो ये प्लस अछि ये प्लस अछि ताको दिटा गाम फेट देले जीवो माइनस देले प्लस माइनस 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 प्लस बुझियो छी तो देखिया बता 2x - 9x माइनस 7x प्लस 3 माइनस 3 कैंसल हियर इज योर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 बुझियो छी तो माइनस 7x इक्वल्स टू एपर पॉजिटिव 7 एपर नेगेटिव 7 सो x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय माइनस 7 इक्वल्स टू 1 बुझियो छी पूरा सहज एथु भी एग्जाम आसी पारे किछ बड़ कथा नै सो वर्तमान तुम x वैल्यू यूज करी कि जे कोन सी इक्वेशन पाई करबो आउट ऑफ y रो वैल्यू तो देखा जाओ एठी मु इक्वेशन 2 रे यूज करी x रो वैल्यू x हम 1 पाई छी सो 3 * x जगह पकेली 1 + y - 5 = 0 दिस इंप्लाई y = + 5 सॉरी - 5 और बटे गेलो + 5 + 3 और बटे गेलो - 3 y = 5 - 3 = 2 बहुत इजी बिले बुझियाला ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे हम पढिबा बचर गुण क्रामर्स रूल वीडियो टी भल लागिथले लाइक करिवे आ कोन डाउट रहले कमेंट करिवे आ एट जदि किसी बेटर सजेशन आपन पाकर अछि त निहाती दे परिए आपन धन्यवाद सो वीडियो निश्चित शेयर करिए जेमिति कि सबु दशम श्रेणी पिलांग पाखर पहुंच पारिबो आ हम चैनल को निहाती भाबे सब्सक्राइब करिए जेमिति कि हम सबु वीडियो सबु लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखर पहुंच पारिबो थैंक यू